वेलकम बैक। नाउ इस वीडियो में हम करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस आर्ट या कॉमर्स क्या है, प्रोफेशन सॉरी क्या है। सबसे पहले हम मैनेजमेंट एज ए साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, जब हम एक नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं कि जब हम कहें कि ये बच्चा अच्छा है, तो कैसे पता चलेगा वो बच्चा अच्छा है या नहीं? पहले हम अच्छे बच्चे की क्वालिटीज सारी पता करेंगे, फिर उस बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या वो अच्छे बच्चे वाली क्वालिटीज उसके साथ उसमें मैच करती हैं या नहीं, सेम है। मैनेजमेंट साइंस है या नहीं करने के पहले साइंस के, सबसे पहले हम मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स, साइंस के करेक्टरिस्टिक्स का पता करेंगे, मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर साइंस के सारे करेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में मिलते हैं तो मैनेजमेंट साइंस हुआ, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सबसे पहले साइंस मैनेजमेंट है या नहीं ये हमें प्रूव करने के लिए ये पता होना चाहिए कि साइंस है क्या। साइंस, इट रेफर्स टू ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस में एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है जिसमें कुछ सर्टेन जनरल ट्रूथ बताए जाते हैं जो आप जिसके ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं उठा सकते। अगर साइंस कहती है कि सूरज पूर्व से उगता है तो दैट्स द राइट। अगर वो कहता है कि कार्बन में ऑक्सीजन मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो वो बनेगा ही बनेगा, चाहे आप कहीं पे भी जाओ और किसी भी एरिया में वो करो, किसी भी देश में जाके करो, वो सर्टेन जनरल ट्रूथ बता चुका है तो वो आपको मानना ही मानना पड़ेगा, वो सच होता है। तो यही है साइंस की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सम सर्टेन जनरल ट्रूथ, दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। ओके, उसके बाद इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं साइंस के। एक तो आप देखो अच्छे से, अगर डेफिनेशन कर लेते हो ना स्टूडेंट्स, देन आपको फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक करने में दिक्कत नहीं होती है। इसके डेफिनेशन में एक बड़ा आया था सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके बाद आया था सर्टेन जनरल ट्रूथ, ये सारी चीज़ें आई हैं। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है साइंस बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जब भी हम साइंस में कोई प्रिंसिपल निकालते हैं तो पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करने के बाद हम कोई प्रिंसिपल बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन बनाने से, बार बार मिला के बनाया गया होगा तब ये प्रिंसिपल दिया गया होगा, यानी प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अगला है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं या साइंस के द्वारा कही हुई बातें यूनिवर्सल वैलिड होती हैं, जिसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। आप कहीं पे भी जाके किसी भी फॉर्म में उस काम को करो, वो वही रहेगा, उसका कोई फॉर्म चेंज नहीं हो सकती। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, अब हम ये देखते हैं कि साइंस मैनेजमेंट है या नहीं। तो साइंस के ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज साइंस हैव देयर ओन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। सिमिलरली मैनेजमेंट हैव इट्स ओन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के अपने थ्योरीज और प्रिंसिपल हैं, तो इसके हिसाब से मैनेजमेंट इज साइंस। पहला साइंस का प्रिंसिपल है कि साइंस सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब मैनेजमेंट देखे तो उसके भी अपनी थ्योरीज और प्रिंसिपल हैं, तो वो भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया। कहने का मतलब है इस कैरेक्टरिस्टिक को मिलाया जाए तो मैनेजमेंट साबित होता है साइंस, साइंस को मैनेजमेंट बोल सकते हैं। क्या लिखोगे? आई एम अगेन रिपीटिंग, साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज साइंस हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। सिमिलरली मैनेजमेंट हैव ऑल्सो इट्स ओन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, दैट्स वाई मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड साइंस अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अगला है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। एट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स आर डन, देन प्रिंसिपल आर टू बी फॉर्मुलेटेड। सिमिलरली मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स डू द एक्सपेरिमेंट्स विद डिफरेंट इन डिफरेंट कंपनीज एंड वर्किंग एरियाज, एंड देन दे मेड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे साइंस के बार बार एक्सपेरिमेंट करके प्रिंसिपल बनाए थे, वैसे ही मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए हैं बार बार एक्सपेरिमेंट करके। इन दिस वे अकॉर्डिंग टू दिस फीचर ऑल्सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड साइंस, मैनेजमेंट को साइंस कहा जा सकता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, साइंस प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैव डन, देन सम प्रिंसिपल आर टू बी फॉर्मुलेटेड इन साइंस। सिमिलरली मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स डू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड देन फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस वे वी कैन से दैट दिस अकॉर्डिंग टू दिस फीचर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड साइंस, इस फीचर के अनुसार हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं। अगला है यूनिवर्सल वैलिड। यूनिवर्सल वैलिडिटी को कहते हैं कि किसी भी फॉर्म में कहीं पे भी जाओ वो यूज होगा। ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर यूनिवर्सल वैलिड, आप उसको गलत नहीं कह सकते। यू कैन गो एट एनी प्लेस इन दिस वर्ल्ड, सारे के सारे उसी फॉर्म में वो प्रिंसिपल यूज होंगे, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। सिमिलरली
मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूनिवर्सल वैलिड वेदर यू आर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी वेदर यू आर डूइंग नॉन इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल लीगल एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी यू आर डूइंग यू हैव टू टेकन केयर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. इन दिस वे वी कैन से दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो यूनिवर्सल वैलिड. तो इस हिसाब से भी ये कैरेक्टरिस्टिक भी फुलफिल हो गया. लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें लिखना कि आई एम अगेन रिपीटिंग ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर यूनिवर्सल वैलिड यू कैन अप्लाइड इन एनी कंडीशन एट एनी टाइम. उनको आप किसी भी कंडीशन में किसी भी टाइम यूज कर सकते हो. सिमिलरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो यूनिवर्सल वैलिड. दिस कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन एनी सिचुएशन एंड एट एनी प्लेस. बट वी कांट से विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी बट विल बी द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस प्रिंसिपल. हम किसी भी निश्चितता के साथ ये नहीं कह सकते ये सारे प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लागू होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा. साइंस को ले लो, बार बार मैं एक ही एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कार्बन में ऑक्सीजन मिलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा. पहले से आपको रिजल्ट मालूम है, यही आना है. लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल चाहे वो यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, कोई भी आपने लगा दिया, आप नहीं कह सकते कि इसका यही रिजल्ट आएगा. बंदा एक ऐसा बंदा है जो जिसको किसी की माननी ही नहीं है, उसके आप यूनिटी ऑफ कमांड लगाओ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लगाओ, जितने चाहते हो उतने सारे प्रिंसिपल लगा दो, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे वो भी लगा के देख लो. बंदे को काम नहीं करना नहीं करेगा, वो उसका ह्यूमन बिहेवियर है. कहने का मतलब है यू कांट असेस द रिजल्ट, आप इसकी रिजल्ट को असेस नहीं कर सकते. इस हिसाब से ये वाला कैरेक्टरिस्टिक भी फुलफिल तो कर रहा है लेकिन पूरे तरीके से नहीं कर रहा है. इन दिस वे वी कैन से दैट साइंस मैनेजमेंट इज साइंस. हम कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है. मैनेजमेंट इज साइंस बट नॉट एग्जैक्ट साइंस. तो कैसी साइंस है? एग्जैक्ट नहीं साइंस है लेकिन सही बिल्कुल सटीक साइंस नहीं है. तो कौन सी है? मैनेजमेंट इज एन अप्लाइड साइंस या इन एग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस बिकॉज दीज कांट बी प्री डिटरमाइंड रिजल्ट आर नॉट देयर. सबसे पहले ये बात है. और हर हालात में हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई बार ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार हमें अपने प्रिंसिपल्स चेंज करने पड़ जाते हैं. इन दिस वे वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज साइंस बट इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस. इट इज अप्लाइड इन एग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस. आपके एग्जाम में आ सकता है कि वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और एग्जैक्ट साइंस और इन एग्जैक्ट साइंस. यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. देन यू हैव टू राइट ऑल दिस थ्री प्रिंसिपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, देन यू हैव टू कंपेयर दिस कैरेक्टरिस्टिक विद मैनेजमेंट, देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन दैट इट इज अप्लाइड इन एग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस. अब हम करेंगे मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं. स्टूडेंट्स अब हम करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट. मैनेजमेंट एज एन आर्ट में हम सबसे पहले आर्ट क्या है ये देखते हैं. इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली. जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज किसी बंदे में होती है उसको वो अपनी लाइफ में अप्लाई करता है स्किलफुली, तो उसको आर्ट बोला जाएगा. आई एम अगेन रिपीटिंग. इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली. नाउ स्टूडेंट्स हियर थ्री फीचर्स ऑफ आर्ट आर गिवन. फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. There is an existence of theoretical principles, theories in the art. Similarly, management have its own theories and principles. In this way, we can say that this feature is fulfilled by management. ये वाला feature जो है कि उसकी खुद की theories और principle होती हैं art की, वैसे ही management की भी खुद के principle और theories हैं, तो ये वाला feature पूरा कर दिया management ने. इस हिसाब से management art जो है वो management है. दूसरा है personalized application. Different people differently apply their existing knowledge. हर बंदा अलग अलग तरीके से अपनी existing knowledge को apply करता है अपनी life में. Two teachers, two players, two singers, two actors acts differently. दो अलग अलग किसी भी बंदे का example ले लो, शाहरुख और सलमान खान का example आप ले लो, दोनों की acting different है. दोनों acting ही कर रहे हैं, दोनों के पास वो knowledge थी, वो apply अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं. तो personalized application is there. Similarly, there are various knowledge to the managers of any firm, company, shop, etc. And they are applying their knowledge according to their features. दो manager हैं वो भी अलग तरीके से अपना management कर रहे हैं. दो businessmen हैं वो भी अलग तरीके से अपने business को संभाल रहे हैं. तो इसका मतलब ये वाला जो principle है ये भी fulfill करता है management. मैनेजिंग द थिंग्स बाई डिफरेंट टू डिफरेंट मैनेजर्स मे बी डिफरेंट. दो मैनेजर्स के द्वारा अपनी चीजें मैनेज करने का तरीका अलग हो सकता है जब वो पर्सनलाइज्ड अप्लाई करेंगे उस चीज को, तो ये वाला फीचर भी अप्लाई होता है. अगला है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आर्ट को अगर देखोगे तो वो हमेशा ठीक होती जाती है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से.
फॉर एग्जाम्पल अगेन हम शाहरुख खान का एग्जाम्पल लेते हैं, देयर वाज अ सीरियल फौजी, कोई ऐसा सीरियल आता था उस टाइम, उसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उनकी कोई फिल्म 100 करोड़ से कम का बिजनेस ही नहीं कर रही, उनकी इतनी अच्छी एक्टिंग हो चुकी है कि लोग उनके पीछे पागल हैं। कहने का मतलब है धीरे धीरे उनकी क्रिएटिविटी और उनकी प्रैक्टिस से उनकी आर्ट जो है वो सुधार में आई है। सिमिलरली जो मैनेजर है, जो शुरुआत में मैनेजमेंट करना शुरू करता है, बार बार गलतियाँ करता है, गलतियाँ करके सीखता है, इसका कहने का मतलब है कि आर्ट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी देयर आर्ट बिकम मोर यूजफुल। सिमिलरली मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इन दिस वे वी कैन से दैट ऑल द थ्री फीचर्स ऑफ आर्ट आर फुलफिल्ड बाय द मैनेजमेंट। तीनों के तीनों फीचर जो आर्ट के हैं वो फुलफिल हुए हैं मैनेजमेंट के द्वारा, इसीलिए मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड आर्ट, इसलिए मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।